नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। कैबिनेट सचिव ने बंद की अवधि को बढ़ाने कर लेकर दिया अहम बयान। जहां एक तरफ कोरोना की खबरों ने सभी आम नागरिकों को परेशान कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नाम पर उड़ रही अफवाहों ने भी लोगों के मन में अलग घर बनाना शुरू कर दिया है। इसी बीच अब सुनने में आ रहा है कि सरकार शायद 21 दिनों के बंद को और आगे बढ़ा सकती है, जिस पर ही सफाई देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा ने कहा कि बंद को बढ़ाए जाने की खबर चौंकाने वाली है। फिलहाल हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। ज्ञात हो कोरोना में इस समय पूरी दुनिया परेशानी के दौर से चल रही है, वहीं भारत में भी कोरोना के अब तक 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के कारण 17 साल के निचले स्तर पर पहुंचा कच्चा तेल। कोरोना वर्तमान समय में पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। सिर्फ आम जनजीवन ही नहीं बल्कि कोरोना से व्यापार भी काफी ज्यादा प्रभावित है। इसी क्रम में एशियाई बाजारों में कच्चे तेल की कीमत भी लगातार नीचे गिरती जा रही है। खबरों की माने तो कच्चे तेल का दाम अमेरिका में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 5.3% गिरकर $20 प्रति बैरल पहुंच गया है। वहीं अंतरराष्ट्रीय मानक में ब्रेंट क्रूड 6.5% से गिरकर $23 पर पहुंच गया है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि बंद की वजह से कच्चे तेल की मांग जो है वो बिल्कुल बंद हो गई है। कोरोना के इलाज को ढूंढ निकालने का चीन ने किया दावा। एक तरफ कोरोना पूरी दुनिया की परेशानी का सबब बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चीन से निकले इस कोरोना के इलाज का दावा अब चीन ने ही किया है। हाल ही में चीन के एक अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे नैनो मटेरियल को विकसित कर दिया है जो कोरोना को खत्म करने में कारगर साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, चीनी अखबार का यह दावा भी है कि चीन के इस नए आविष्कार से कोरोना को 99.9% तक नियंत्रण किया जा सकता है। अगर चीन का यह दावा सही साबित होता है तो कोरोना पर पूरी दुनिया की जीत पक्की है। यूपी से लगी दिल्ली सीमा हुई बंद। बंद के ऐलान के बावजूद भारी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए यूपी से लगी दिल्ली की सीमा को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद से बीते दिन से भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा एक बार फिर से देखने को मिला था। हालांकि प्रशासन ने उन्हें आनंद विहार टर्मिनल पर जाने से रोक दिया, मगर उन लोगों ने गाजियाबाद का रास्ता पकड़ लिया। वहीं आनंद विहार टर्मिनल पर जाने से रोके जाने के बाद यात्रियों ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि यहां पर उन्हें मकान मालिक निकाल रहे और उनके पास फिलहाल ना कोई काम है और ना कोई बचत। ऐसे में वह सब अपने गांव वापस जाना चाहते हैं, मगर सरकार अब उन्हें वापस जाने नहीं दे रही है। वहीं भारी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी अपनी परेशानी साझा की है। कोरोना की खबरों से परेशान लोगों की मदद के लिए सरकार ने जारी किया एक हेल्पलाइन नंबर। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार ने हाल ही में पूरे भारत को बंद करने का ऐलान जारी किया था। साथ ही सभी लोगों से घरों में रहने की अपील भी की थी। वहीं घर में रहते रहते कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसी खबरों को सुनकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं और उनका सोचने समझने की शक्ति सामान्य नहीं रहती है। ऐसे लोगों की मदद के लिए अब सरकार ने आगे आकर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे कि अब लोग अपनी परेशानी साझा कर सकते हैं, जिसके तहत अब आपको अगर कोई भी समाचार सुनकर किसी भी तरीके कि कोई परेशानी हो रही हो तो आप 0804-611-007 पर फोन करके अपनी परेशानी डॉक्टर को बता सकते हैं और वह डॉक्टर आपको आपकी समस्या का समाधान बताने की पूरी कोशिश करेंगे। हम एक बार फिर से यह नंबर दोहरा दें, 0804-611-007। अब इतने दिन पहले आप कर सकते हैं अपने गैस की बुकिंग। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंद के ऐलान के बाद सभी आम नागरिकों को अपने आम सुविधाओं को लेकर के काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि अब IOC ने साफ करते हुए कह दिया है कि गैस से संबंधित किसी भी परेशानी से आम नागरिकों को सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास गैस का काफी ज्यादा स्टॉक है। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कोरोना की वजह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा गैस बुक ना करने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि अब 15 दिन के अंतर पर ही कोई रसोई गैस की बुकिंग कराई जा सकेगी, जिसकी जानकारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष संजीव सिंह ने एक वीडियो संदेश के जरिए दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि LPG की आपूर्ति पूरे देश में पहले की तरह ही होगी, आम नागरिकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। कोरोना की हवा में फैलने की बात पर WHO ने दी सफाई। जब से भारत में कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू किए हैं, जब से कोरोना को लेकर के तमाम तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। इनमें से एक है कि कोरोना के फैलने की क्षमता हवा में भी है। हालांकि इस पर WHO ने सफाई देते हुए अब यह साफ कर दिया है कि यह भ्रम बिल्कुल गलत है। WHO ने कहा है कि कोरोना कोई हवा में तैरने वाली चीज नहीं है और यह तथ्य साफ गलत है, जिसमें यह कहा गया है कि कोरोना 8 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। इतना ही नहीं, WHO ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया कि कोरोना सिर्फ सरफेस या ड्रॉपलेट के जरिए ही एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकता है। अक्षय कुमार के बाद बॉलीवुड के कई सितारे भी आए मदद के लिए सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अक्षय कुमार ने हाल ही में 25 करोड़ रुपए की राशि मदद के लिए दी थी, जिसके बाद बॉलीवुड के कई और सितारे भी सामने आकर मदद कर रहे हैं, जिसके तहत बॉलीवुड के शिल्पा शेट्टी ने 21 लाख रुपए दिए हैं। वहीं वरुण धवन ने 25 लाख, मनीष पॉल ने 20 लाख, वहीं भूषण कुमार ने 12 करोड़ रुपए की राशि दान में दी है। वहीं सलमान खान की बात करें तो उन्होंने राशि PM फंड में देने के बजाय 25,000 दिहाड़ी मजदूरों के अकाउंट डिटेल्स की मांग की है, जहां वह अपना दिया
किया हुआ दान सीधा उनके अकाउंट्स में देना चाहते हैं। सिर्फ बॉलीवुड सितारों ने ही नहीं, कोरोना से सामना करने के लिए देश के कोने कोने से तमाम तरह की मदद आ रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड अभिनेताओं से लेकर उद्योग जगत के धुरंधरों का नाम शामिल है। बंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ रहने का दिया मोदी मंत्र। बंद के दौरान बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात से एक बार फिर से राष्ट्र का संबोधन किया था, जहां पर उन्होंने यह साफ किया था कि वह जल्द ही अपने योगा का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे, जिसके तहत उन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने योगा सेशन का कुछ वीडियो शेयर किया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि यह सच है कि कुछ योगासन ने मुझे काफी ज्यादा लाभ दिया है, इसीलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी योगा को अपने दिनचर्या में शामिल जरूर करें। वहीं बीते दिन मन की बात कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों से इस बंद के कारण हो रही परेशानियों के लिए क्षमा मांगी थी, साथ ही उनकी हर संभव मदद करने की अपील भी की थी। कोरोना की स्थिति से निकलने के लिए अब मैदान में आया गूगल। कोरोना की स्थिति से निकलने के लिए तमाम मदद के बीच गूगल ने अब अपने मदद का हाथ बढ़ाया है, जिसकी जानकारी सुंदर पिचाई ने ट्वीट कर खुद दी है, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि कोरोना की स्थिति में छोटे उद्यम, स्वास्थ्य संगठन एवं सरकारों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए 5,900 करोड़ रुपए की मदद देने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि इसका नोटिफिकेशन गूगल के विज्ञापन खाते पर नजर आएगा। इसके अलावा विश्व संगठन और 100 से ज्यादा सरकारी एजेंसी को $25 करोड़ की विज्ञापन सहायता भी दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना की वजह से भारत में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाने वाले DSP ने शहरों को कराया बंद। साल 2007 में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप दिलाने वाले जोगिंदर शर्मा अब हरियाणा के DSP का प्रभार संभाल रहे हैं। वहीं बतौर DSP अब उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला है, जिसके तहत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाए गए बंद कर शहरों को बंद करवाने का दारोमदार अपने हाथ में लिया, जिसके बाद क्या था, उन्होंने सड़कों पर उतरकर लोगों से अपने घरों में रहने का आग्रह। इतना ही नहीं, वह सभी अपने पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश भी दिखाते नजर आए। DSP जोगिंदर का यह वीडियो ICC ने हाल ही में अपने आधिकारिक वेबसाइट से शेयर भी किया है, साथ ही जोगिंदर को वर्तमान समय का असली हीरो करार दिया है, जिसके बाद लोगों ने इस पोस्ट पर बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सरकार के बार बार समझाने के बावजूद बंद के दौरान इतनी भारी संख्या में लोगों को अपने गांव की तरफ वापस लौटने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।